हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पे या मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। तो मैं वीडियो लेके आई हूँ, मैं आज आपको पहले अपने प्लांट बताती हूँ जो मैंने हैंगिंग पे लगा के रखे थे अपनी ग्रिल पे। आप देख सकते हो टर्टल वाइन लगाई है मैंने, और ये नीचे रखी हो मैंने, और साथ ही मैंने यहाँ पर बेबी सनरोज़ लगा के रखा। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये लगा के रखा है। ये मैं अपने फ्लावर दिखा रही हूँ आपको, और यहाँ पे मैंने पिंक लिली लगा के रखी हुई, ये देख सकते हो आप, ये भी हैंग करके, और इधर भी, और वहाँ पे भी मैंने छोटा सा बेबी पिंक रोज़ लगा के रखा जो कितने अच्छे से खिला हुआ, देख सकते हो आप। और ये यहाँ मैंने वाइट लिली और उधर जरेनियम लगा के रखा है, ये मैंने प्लांट है। तो आज की मेरी वीडियो कुछ इस तरह की है, मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों आपने देख लिया होगा जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था, ये आप देख सकते हो उसका कलर कैसा हो रखा है, ये बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है फर्टिलाइज़र देने के लिए, देख सकते हो आप। और ये मैंने इसके लिए एक बाल्टी ले रखी है, ये पानी भर के लेके, इतना नहीं डालना मैंने इसका, सिर्फ एक जग डालना मैंने इसके अंदर, बाकी वैसे का वैसे रहने देना। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो ये होगी कि जो मेरे प्लांट है आप देख सकते हैं फ्लावरिंग बंद हो गई है इनमें, थोड़ी थोड़ी सी फ्लावरिंग हो रखी है डेंथस में, देख सकते हो आप। ये इसलिए भी हो सकती है क्योंकि इसकी मिट्टी मेरी बहुत सूखी सी भी होगी हुई दोस्तों, और इसकी मिट्टी बहुत हार्ड हो रखी है, तो इसके लिए मैं देखो तो आप देख सकते हो बहुत हार्ड बनी हुई है ये मिट्टी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इसमें इसको हवा नहीं मिल रही होगी प्रॉपर तरीके से। ये आप देख सकते हो, इसको देखो कितनी हार्ड बन गई हुई है, पानी देती हूँ तो पानी तो प्रॉपर ड्रेन हो जाता है इसका, पर मेरे को लग रहा है इसमें इसको बराबर हवा नहीं मिल रही है, तो उस वजह से शायद ये कली तो बनी हुई लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। धूप भी लगती है, इतनी धूप तो नहीं पर लगती है फिर भी धूप यहाँ पर आप देख सकते हो ये। तो मैंने आज इसी का ही काम करना है, इसको मैंने अच्छे तरीके से क्या करना है, इसकी गुड़ाई करनी है, और फिर इसके अंदर जो है फर्टिलाइज़र बनाया है मैंने दोस्तों ये वाला, तो मैंने ये इसके अंदर देना है। तो मुझे लगता है इसको देने के बाद हो सकता है कि इसमें फ्लावरिंग अच्छी हो, मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि जिस तरह से मैं इसको देख रही हूँ इसकी मिट्टी आप देख सकते हो ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत ड्राई ड्राई, लेकिन इतनी ड्राई नहीं है, सिर्फ मैंने कल ही पानी नहीं दिया इसमें, बाकी इसमें मैं डेली पानी देती हूँ, लेकिन इसको मेरे को लग रहा है उसी वजह से नहीं चल रही, जैसे ये वाला ये थोड़ी सी मिट्टी गिल्ली भी है और उतना वो भी नहीं है, तो इसमें फ्लावरिंग हो रखी है देख सकते हो आप इसमें भी। तो मैं आपको ये भी बताती हूँ आपको, इसमें जैसे ये वाला मेरा पिटूनिया का प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग, इसके फ्लावर ही अच्छी तरह से नहीं बन रहे, देख सकते हो आप कैसे बन रहे, जब लेके आई थी तो इसमें अच्छी सी फ्लावरिंग हो रखी थी, ये आप देख सकते हो अच्छी सी फ्लावरिंग, जैसे ये वाला मेरा पिटूनिया कितने अच्छे से खिला हुआ देख सकते हो आप, जैसे इसकी आप देख सकते हो भर गया पूरा ही मेरा पॉट है, पूरा भर गया हुआ देख सकते हो ये, जैसे ये वाला भी, लेकिन इनकी मिट्टी फिर भी थोड़ी सी ठीक है मुझे लग रहा है, ये भी थोड़ी सी है सॉफ्ट है लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मुझे आज यही काम करना है इसका, इसको अच्छे से इसकी गुड़ाई करनी है, फिर इसको बराबर थोड़ा थोड़ा सा ये फर्टिलाइज़र देना है, तो हो सकता है कि इसमें अच्छे फूल आए। अब मैं ये काम करती हूँ इस तरह से, ये आप देख सकते हो इस तरह से, तो मैं आपको ऐसे करते हुए नहीं दिखा सकती हूँ दोस्तों, तो मुझे लगता है कि मुझे आपको बाद में दिखाना पड़ना है, देख सकते हो आप इस तरह से बहुत हार्ड हो रखी है, आप देख सकते हो उसको बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखी है ये मिट्टी, पता नहीं कैसे होगी इतनी मिट्टी है हार्ड। मैंने इसमें गोबर की खाद दी हुई दोस्तों ऊपर से, ये आप देख सकते हैं, मैं इसको करके बताती हूँ आपको, ऐसे नहीं होगी मेरे से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी हुई है, ये देख सकते हो आप, इसमें भी सब में कर दी मैंने, ये देख सकते फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रखी है इसकी भी और इन सब की, हो सकता है अब इसमें फ्लावरिंग अच्छी हो दोस्तों, तो इनकी गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे हम सब्जी वेजिटेबल लगाते हैं तो उसकी गुड़ाई करते हैं, तो वैसे ही इसकी भी गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देख सकते हो ये मैंने फर्टिलाइज़र देना है, ये देखो मैंने जो डाला था इसने कैसा कलर कर दिया आप देख सकते हो इसको, तो ये देखो दोस्तों ये हो गया इसका आप देख सकते हो। तो मुझे क्या करना है इसका, मुझे इससे सिर्फ एक ये वाला लेना है और इस बाल्टी में डालना है जो 5 लीटर की है, इसमें डालना है एक ये वाला जग, सिर्फ एक ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये फिर ज़्यादा इतना ज़्यादा हो नहीं है, ये देख सकते हो आप, ये मैं इसके अंदर डालूँगी सिर्फ इसका पानी पानी, ये बहुत है इस बकेट के लिए आप देख सकते हो, इसमें डालने के लिए ये देख लो, तो ये देख लो इसका कलर कैसा हो गया, पता नहीं आपको दिख रहा होगा ढंग से क्योंकि इसमें धूप की हो पड़ी है। अच्छा
शेड पड़ी है, देख सकते हो आप, इसका पूरा कलर ही चेंज हो गया, जैसे नीम के पत्ते होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हो गया इसका कलर सारा, आप देख सकते हो इस तरह से। तो मैंने क्या करना है, ये लिया मैंने, ये हो गया, घुल गया अच्छी तरह से, देखो तो इसने झाग झाग भी दे दिया है, ये देख सकते हो आप। तो मुझे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा जैसे इसमें थोड़ा सा देना है, देख सकते हो आप, इसमें देना है और इसमें दूंगी, देख सकते हो आप पेटूनिया में थोड़ा सा इसमें दूंगी, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इसमें दे दूंगी ज़्यादा, जैसा ये आप देख सकते हो। तो इसी तरह से आप भी घर में ये फर्टिलाइज़र बना सकते हो दोस्तों, बड़े आराम से आपके प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे, देख सकते हो आप। इसमें देखो मेरी इतनी सी फ्लावरिंग हो रखी है, लेकिन कलियाँ देख सकते हो आप बहुत सारी हो रखी है, नहीं फ्लावरिंग में हो रही है, तो इसमें हवा की ज़रूरत थी मुझे लगता है, जो मुझे जो मेरा अनुभव कह रहा है कि इसको ये है, तो तब मैं इसको ये कर रही हूँ, ये आप देख सकते हो। तो मैं इसी तरह से सबको अपनी पूरा फर्टिलाइज़र दूंगी प्रॉपर, ये जितने भी प्लांट्स मैंने इधर लगाए आप देख सकते हो, आपको दिख रहे होंगे ढंग से, और जैसे मैंने ऊपर हैंगिंग पे लगा के रखे ग्रिल पे, ये सारे मैंने इनको, और जैसे मैंने कुछ प्लांट क्या करके रखे हैं दोस्तों, धूप में रखे हैं मैंने, जैसे देख सकते हो वहाँ पे ये वाला, इसमें मेरी कली बनी हुई है, हल्की हल्की सी कली बन रही है, तो मैं इसको धूप में रख रही ताकि इसको प्रॉपर धूप लगे तो मेरा ये प्लांट अच्छे से खिले। जैसे ये मेरा आप देख सकते हो जेरेनियम कितनी अच्छी सी खिला हुआ, ये बंचेज में आ रखा है, और ये रोज़ मेरा खिल गया हुआ, खिलने वाला, देख सकते हो जितनी ज़्यादा आप इसको धूप में रखोगे उतना अच्छा ये खिलेगा दोस्तों, ये देख सकते हो आप। अगर ये सबको मैंने फर्टिलाइज़र देना है अभी, देख सकते हो आप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।